मुझे जानते हैं, खुदा के लिए किसी की तरफ खाली हाथ ना जाया करो। जेड़ा मुंह चुके आज मैं निकला है सो मैं के चलो सर मिल रही है, अल्लाह का वास्ता है, ये आपकी वैल्यू कम कर देता है। ये दुनियादारी नहीं है, ये इखलाकियात का हिस्सा है कि आप किसी को वर्थ और वैल्यू देते हैं। नहीं बात समझ, तोहफा अल्लाह के रसूल की ये हदीस है ना, मोहब्बत को बढ़ाता है यार, मोहब्बत को बढ़ाता है। कोई ना कोई किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर, कुछ ना कुछ ऐड जरूर करें। हमारा सुके ते मिल माइया, उसका नतीजा क्या होता है सर? अगले को आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। असल में चीजों से वैल्यू नहीं होती, उस मोहब्बत से, उस वैल्यू एडिशन से वैल्यू होती, उस केयर से वैल्यू होती। जिनसे आपके नाते और रिश्ते, उनसे राबता रखें, छोड़ना नहीं चाहिए लोगों। ये जो डिस्कनेक्शन है ना, ये मुबहम कर देता है, ये एम्बिगुअस कर देता है, ये कंफ्यूज कर देता है। राबता रखना, कोई बहाना, किसी बहाने, किसी हवाले से, किसी तरह कोई ना कोई राबता होना चाहिए। हाल पूछ लिया और सुनाए जी, आ जाए जी, मैं आ जाता हूँ जी, ये आपकी जिंदगी में क्या बढ़ता है? इससे आपका जनाजा बढ़ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंसान को डेस्टिनी को सोच के चलना चाहिए। मोहब्बतें दी हो तो जनाजे बड़े होते हैं, ना दी हो तो बाजी फिर गए तुसी। ठीक है जी, आप जिंदगी में लोगों के वैल्यू जरूर ऐड करें। सोचें यार किसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, किस तरह की वैल्यू ऐड हो सकती है।